मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित द्वापर खंड काव्य के अंतर्गत संकलित विद्रता कविता के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। विद्रता किस प्रकार से पुरुष वर्ग के आधिपत्य को अस्वीकार करती है, उसका प्रतिरोध करती है और अपनी अंतर पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपराओं का, जो कि उज्ज्वल परंपराएं थी, अच्छी परंपराएं थी, उनका उल्लेख करती हुई पुरुष वर्ग के नारी जाति के पर एकाधिपत्य को नकारने का प्रयास करती है और कहती है कीवा करता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध यज्ञ तुम्हारा पूरा। नाचे गावे सुरांगनाए आवे इंद्र पदारे मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही तारे और न तारे। वो अपने पति के आस्थाहीन आचरण पर आक्षेप करती है। इसी संदर्भ में वह कहती है कि संसार में जब तक पाप अधूरा रहता है तब तक वह समाप्त नहीं हो जाता, पाप का घड़ा भरने पर ही फूटता है। इसी प्रकार तुम्हारा ये यज्ञ हर तरह से अंगों सहित सिद्ध होने पर भी दान कर्म का निषेध करने से कैसे पूरा होगा, अर्थात यज्ञ की सफलता भी दान के साथ ही पूर्ण होती है, ऐसा तर्क विद्रता अपने पति को देती है। उसके इस कथन से हमें भारतीय संस्कृति में दान की महत्ता का प्रति ज्ञान होता है। विद्रता आगे कहती कि इस यज्ञ में भले ही अप्सराएं आकर के नाचे गावे और देवताओं के राजा देवराज इंद्र भी स्वयं आ जाए, फिर भी तुम्हें इसका सुफल नहीं मिलेगा। मेरी आस्था तो भगवान विष्णु पर ही है, वे चाहे मेरा उद्धार करे या नहीं करे, अब तो मेरे वे ही एकमात्र आश्रय हैं। अर्थात विद्रता ढोंगपुंग धर्माचरण करने पर आक्षेप करती है, नाराजगी प्रकट करती है। लोक आस्था एम कवि की वैष्णव भक्ति इस पद्यांश में हमारे सामने मुखर हुई है। आगे विद्रता कहती है व्रतियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति असली रहो तुम, फिर भी क्षोत्रिय होत्री ठहरे क्यों न सुशील रहो तुम। मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुशीला, ललना तो छलना है, ओहो धन्य तुम्हारी लीला। विद्रता पुरुषों के द्वारा जो बनावटी नियम बना दिए गए हैं, स्त्रियों के ऊपर जो आक्षेप लगाने के जो तरीके बना दिए गए हैं और पुरुष वर्ग की वर्चस्वता के जो नियम बना दिए गए हैं, उनके ऊपर अपना आक्षेप प्रकट करती हुई कहती है कि ये जो भी नियम बने हैं वो पुरुष वर्ग के हित में ही हैं। जिसे आप नटखट या आप जैसे जो भी पुरुष वर्ग के सत्ता चाहने वाले लोग हैं, इन्होंने ही बनाए हैं। विद्रता अपने पति के आचरण को लेकर के उस पर आक्षेप कर नारी की व्यवस्था पर दुख प्रकट करती हैं। इसी संदर्भ में वो अपने पति से कहती हैं कि पवित्र आचरण वाले ब्राह्मणों की पवित्र आचरण वाली स्त्रियों के प्रति तुम असलील व्यवहार कर रहे हो, उन पर अनावश्यक अधर्म आचरण का आरोप लगा रहे हो। विद्रता व्यंग्य पूर्वक अपनी बात को कहने लगी कि आखिर तुम हवन करने वाले वेदपाठी ब्राह्मण हो, स्वयं को सदाचारी मानकर दूसरों को कुछ भी कह सकते हो, अतएव तुम स्वयं को पवित्र आत्मा क्यों नहीं मानेंगे, परंतु तुम्हारा ऐसा आचरण असंगत है। यदि मैं भूखों को भोजन देने गई, मैंने
पेट की आग को शांत करने वाले के लिए कुछ प्रयास किया, तो भी तू मेरे पवित्र आचरण पर शंका कर मुझे दुराचरण वाली कहने लगे। तुम्हारी दृष्टि में तो नारी एक धोखा और माया है। बड़े दुख की बात है कि नारी के संबंध में तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचारधारा बिल्कुल ही भ्रामक एवं विकृत मानसिकता का परिचायक है। अर्थात नारी के द्वारा किए जाने वाले धार्मिक और पवित्र आचरण पर भी आप लोगों के द्वारा जो बाधा, जो अवरोध, जो रुकावटें डाली जाती है, वह निश्चित रूप से ही आपकी विकृत मानसिकता की परिचायक है। आगे विद्रता कहती है, हाय वधु ने क्या वर विषयक एक वासना पाई, नहीं और कोई क्या उसका पिता पुत्रिया भाई, नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन हाये क्या संग नहीं वह लाई। इस पद्यांश के माध्यम से विद्रता के द्वारा मैत्रेय गुप्त कहना चाहते हैं कि पुरुष वर्ग सदा ही नारी को हीन दृष्टि से तथा वासना पूर्ति की कुत्सित दृष्टि से देखता आया है, क्योंकि उसने नारी के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास किया ही नहीं है। नारी के इस प्रकार के आत्मपीड़ा को व्यक्त करती हुई विद्रता कहने लगी कि यह बड़े दुख की बात है कि क्या वधु अर्थात पत्नी अपने पति के लिए केवल वासना की पूर्ति का ही साधन रहती है। अर्थात क्या स्त्री पुरुष की कामुकता की इच्छा को पूर्ण करने का ही साधन है? क्या वह केवल वासना लेकर ही पति का वरण करती है? अर्थात क्या पति उसे वासना की मूर्ति समझ करके ही अपने जीवन की संगिनी बनाता है? क्या नारी के लिए सभी पुरुष एक समान हैं? उसका कोई पिता पुत्र या भाई नहीं होता है क्या, जिसे वह वासना की दृष्टि से नहीं देखे? पुरुष वर्ग का नारी के प्रति केवल वासनात्मक दृष्टिकोण रखना या नारी को काम की प्रतीक समझना कहाँ तक उचित है? नर के लिए नारी क्या केवल वासना की नग्न मूर्ति बनकर ही आई है? क्या वह किसी की माँ, बेटी, बहन या अन्य लक्ष्मी स्वरूप को लेकर के नहीं आई है? विद्रता का कहने का आशय यह है कि नारी को केवल वासना की नग्न मूर्ति मानना बिल्कुल ही अन्याय, अनुचित, दुर्भाग्यपूर्ण है। माँ, बहन या बेटी रूप में भी तो वह सामाजिक जीवन में समान अधिकारिणी होती ही है। इस पद्यांश में गुप्त जी की नारी की प्रति जो भावना है वह प्रकट हुई है। साथ ही गुप्त जी ने इस पद्यांश के माध्यम से हमें नारी के विविध स्वरूपों से परिचय करवाया है। आगे विद्रता कहती है कि श्याम सलोने पर यदि सचमुच मेरा मन ललचाया, श्याम सलोने पर यदि सचमुच मेरा मन ललचाया, तो फिर क्या होता है इससे कहीं रहे ये काया। दूर मधु को भी पराग निज पहुंचा दिया कुसुम ने, दूर मधु को भी पराग निज पहुंचा दिया कुसुम ने, हे वेदज्ञ खेद इतना भी भेद न जाना तुमने। विद्रता अन्य स्त्रियों के साथ समीपी वन में उपवन में बलराम श्री कृष्ण को भोजन देने गई थी। इस बात पर पति ने उसे जब दुष्सलीला दुष्चरित्र कहा, तब उसी बात पर विद्रता कहने लगी कि यदि मेरा मन श्याम सलोने पर यदि सचमुच मेरा मन ललचाया, यदि मेरा मन श्याम वर्ण के सुंदर शरीर वाले पर सचमुच ही ललचा गया है और तुम्हारी शंका के अनुसार मैं इसी कारण उनके पास गई, तो ऐसी शंका करने से क्या लाभ है? तो फिर क्या होता है इससे कहीं रहे ये काया।
यदि मन किसी से आकृष्ट हो जाता है तो ये शरीर चाहे कहीं भी रहे उससे क्या होता है। जिस प्रकार से पुष्प की सौरभ से आकृष्ट होकर दूर रहने वाला भौंरा भी सोते ही उसके पास आ जाता है, दूर मधुब को भी पराग नीच पहुंचा दिया कुसुम ने, अर्थात वो पुष्प पर मंडराने लगता है। हे वेदज्ञ ब्राह्मण, हे वेदों के ज्ञाता, दुख की बात है कि आप इतना भी भेद नहीं जानते हैं। आपको ये भी ज्ञात नहीं है कि मन किसी से दूर रहने पर भी उससे अनुराग रखता ही है। चाहे व्यक्ति को शरीर से दूर कर दिया जाए लेकिन मन से दूर नहीं किया जा सकता है। इसी कारण यदि आप शंका कर रहे हो तो आपकी शंका करना आपका व्यर्थ में ही भ्रम पालना बेकार है। आगे विद्रता अपने पति को संबोधित करते हुए कहती है कि खेल छोकरा कहो उसे तुम, खेल छोकरा कहो उसे तुम, प्रेम वाद्य व भजता, जो जैसे भजता है उसको वह भी वैसे भजता। अथवा तुम्हें दोष क्या युग ही ये द्वापर संशय का, पर यदि ध्यान हमें है तो कारण क्या भय का। इस पद्यांश में विद्धता अपने पति से भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है उसे दर्शित करती हुई कहती है कि जो व्यक्ति जो प्राणी भगवान श्री कृष्ण से जिस भाव से संबंध स्थापित करता है, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ जिस भाव से उनको भजता है, भगवान श्री कृष्ण भी उस प्राणी के साथ उसी भाव से एकाकार तादात्म्य और संबंध स्थापित करते हैं। विद्रता कहने लगती है कि जिसे आप नटखट छोकरा या छेला युवक कह रहे हो, जिन भगवान श्री कृष्ण को आप नटखट या छेला या छोकरा कहकर के पुकार रहे हो, वह वस्तुतः मन में सदा ही झंकृत करने वाला प्रेम रूपी वाद्य है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रेम रूपी वाद्य हैं जो मन को हमेशा झंकृत करते रहते हैं, मन को हमेशा बजाते रहते हैं, मन को हमेशा तरंगित करते रहते हैं, अर्थात वह सरस मधुर प्रेम की मूर्ति हैं।